राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो देश के संसद में कल और आज का दिन काफी हंगामेदार रहा, शोरगुल भरा रहा। कल यानी कि सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने 90 मिनट के भाषण में केंद्र और पीएम मोदी को जमकर घेरा। तो आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक एक बयान का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 2 घंटे 15 मिनट का भाषण दिया और अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक, नीट परीक्षा, मणिपुर, अग्निवीर, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि यह गंभीर बात है कि हिंदुओं पर आरोप लगाने का झूठा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या हिंदू हिंसक होते हैं? ये आपकी सोच, आपका चरित्र है। ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। आप लोगों ने हिंदू आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की, इन्होंने शक्ति विनाश की बात कही, देश इन्हें माफ नहीं करेगा। और देश की संस्कृति और परंपरा का मजाक उड़ाना, इसे एक फैशन बना दिया गया है। तो सदन में कल का दृश्य देखकर अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या यह अपमान कोई संयोग है या बड़े प्रयोग की तैयारी है। आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है। क्या हिंदू वाले बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? क्या जो बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं, वो जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए उसके जवाब के तौर पर हैं, और इसके मायने क्या हैं? आज इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 घंटे 10 मिनट के भाषण में आज कल जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, कमोबेश वैसे ही जवाब आज प्रधानमंत्री ने भी दिए हैं। सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार? ये है आपका चरित्र? ये है आपकी सोच? ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ? ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो,
अरे तुम तो गिरे नहीं हो, ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया करते। तो कुल मिलाकर के कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस बयान पर जो जवाब था प्रधानमंत्री का, यह तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट तक चला है। लेकिन इस दौरान भी आपने देखा कि जमकर सदन के अंदर हंगामा होता रहा। मणिपुर को लेकर के लगातार आप देख रहे थे कि विपक्ष जवाब प्रधानमंत्री से मांग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक एक करके उन तमाम विषयों को टच करते हुए जो जवाब हैं वो दिए हैं। लेकिन अब इसके मायने क्या हैं, जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे उस पर प्रधानमंत्री की आज ये प्रतिक्रिया, इसको कैसे देखा जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी स्वागत है आपका चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी आपका भी स्वागत है। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो बात कही, जो बयान दिया, उसके बाद बहुत हंगामा हुआ। कल से ही हम लोग देख रहे हैं कि इसका विरोध हो रहा था। प्रधानमंत्री ने सदन में भी उसी समय इस बात को लेकर के अपना जो विरोध है वो जताया, और आज जब उसका जवाब दे रहे थे तो प्रधानमंत्री 2 घंटे 10 मिनट तक लगातार बोले हैं। कैसे इसको देखा जाए, आज के प्रधानमंत्री के इस पूरे अभिभाषण को? आयुष भाई, सबसे पहले तो आपने अपनी शुरुआती पैकेज में ना दो बातें कही और मुझे लगता है कि वो शायद उचित नहीं है। पहला तो आपने ये बोला कि पीएम मोदी को राहुल ने जम के घेरा। साहब कौन सा घेरना, उन्होंने तो फकत झूठ बोला, और झूठ बोलने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, वो आपने भी सुना। और उसके साथ साथ आपने बोला कि राहुल गांधी ने कोई सवाल उठाए। आप कौन से सवाल उठाए, उन्होंने जितनी बातें बोली तथ्यात्मक रूप से सभी झूठ थी। और आपने भी आयुष भाई देखा होगा, जब उन्होंने अग्निवीर के बारे में झूठ बोला, तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खड़े होके सदन में उनको बताया कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। और जिस वक्त उन्होंने किसानों के बारे में झूठ बोला तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने तुरंत सदन में खड़े होके कहा कि आप सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष झूठ और हिंदू धर्म के अपमान के अलावा कुछ नहीं किया। और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, हालांकि ये कांग्रेस की सोच है आयुष भाई, आप पहले दिन से देखिए कांग्रेस लगातार वोट बैंक की राजनीति करते हुए हिंदू हिंदू धर्म लगातार उनके अपमान में बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कुछ समय पहले ही बाकायदा हिंदू धर्म में शक्ति होती है, उस शक्ति से हम लड़ेंगे, मतलब वो हमारी शक्ति मतलब देवी भगवती, उससे लड़ने की बात कर रहे थे। ये आपने भी सुना और मैंने आपके चैनल पे वो खबर भी बाकायदा देखी। जिस तरह से कल सदन के अंदर राहुल गांधी ने बाकायदा हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया, वो सब हमने देखा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ आयुष भाई, जैसे मैं पहले ही बताया, इनके ही नेता दिग्विजय सिंह ने बाकायदा भगवा आतंकवाद मतलब हिंदुओं को आतंकवादी बताया। पी चिदंबरम गृह मंत्री थे 2010 में, उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बोला। 2013 में सुशील शिंदे वो गृह मंत्री थे, उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बोला। और तो और इनके सहयोगी हैं इंडी गठबंधन में डीएमके, डीएमके के मंत्रियों ने किस तरह से सनातन को डेंगू से, कोरोना से तुलना की और सनातन को खत्म करने की बात की, और वो हमने देखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने किस तरह से उन बयानों पे चुप्पी साध ली। और तो और जब राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, आपने देखा होगा केरल के अंदर एक पादरी पन्नई जॉर्ज, जिन्होंने ये कहा था
कि भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि मुझे स्पर्श ना करे। तो इस तरह की सोच कांग्रेस की लगातार हिंदू धर्म हिंदुओं के प्रति रही है, और कांग्रेस गाये बगाए वोट बैंक की राजनीति में इसको आप स्पष्ट भी करती है, अपने बयानों में लगातार ये बातें बोलते रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन के अंदर बतौर नेता विपक्ष ये शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को तुरंत हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए, पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से मैं हैरान हूं, कुछ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के इन बयानों को, इन बातों को डिफेंड करने के लिए अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे तो हैरानी उन नेताओं पे हो रही है कि राहुल गांधी एक तरफ हिंदुओं का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, भारत की धरती का अपमान ये सब कर रहे हैं, और हमारे कुछ मित्र जो है कल तो बाकायदा भगवान शिव की फोटो लेकर के आए, और उसमें तो अभय मुद्रा का वो जिक्र कर रहे थे। उसमें तो वो ये कहने की कोशिश करी ना उन्होंने कि भाई बीजेपी और आरएसएस को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी आरएसएस की बात कर रहा हूँ, जब आप लोगों ने विरोध किया। राहुल गांधी के अगर आपने शब्द सुने हो, राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है, वो असत्यवादी है। भाई हर हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है, सभी हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं। जो उन्होंने शब्द बोले, मैंने आयुष आपके सामने उनके शब्द भी दोहरा दिए कि उन्होंने क्या बोला था। दूसरी बात देखिए, जब वो अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने तो बाकायदा इस्लाम में जो खुदा है, जो इस्लाम के पैगंबर है, उनको भी कहा कि वो भी अभय मुद्रा में रहते हैं। राहुल गांधी को शायद ये किसी ने जानकारी नहीं दी कि इस्लाम में चित्र और मूर्ति ये स्वीकार ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहां देख लिया, किस जगह देख लिया कि वो अभय मुद्रा में रहते हैं। राहुल गांधी ने भगवान शिव की मुद्रा को, गुरु नानक देव जी की मुद्रा को कांग्रेस के चुनाव निशान से तुलना करके भगवान शिव का अपमान किया, गुरु नानक देव जी का अपमान किया। और राहुल गांधी जिस तरह से ये तुष्टीकरण की राजनीति और झूठ के साथ लगातार जो उन्होंने झूठ बोले, वो झूठ हालांकि लोकसभा के पटल पे उनकी झूठ की पोल भी खुलती रही, लेकिन राहुल गांधी का मुझे लगता है कि एक एजेंडा है, एजेंडा उनका बड़ा स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आप हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुओं के विरोध में बोलो, जिससे कि आपका एक स्पेशल वर्ग वोट के रूप में इंटैक्ट हुए। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने तो उत्तर भारत के लोगों को कमतर दिखाया था दक्षिण भारत के लोगों से साथ, जिस वक्त वो केरला में थे वो उत्तर भारत के लोगों को कमतर बताते हैं, जब वो उत्तर भारत में आ जाते हैं तो वो साउथ के लोगों को कमतर बताने लगते हैं, जब वो पश्चिम में होते हैं तो पूर्व को कमतर बताने लगते हैं। तो ये इस तरह का एक एजेंडा, सुनियोजित एजेंडा है कांग्रेस का, और इस एजेंडे के अंदर वोट बैंक की राजनीति और देश को किस तरह से तोड़ा जाए, देश को किस तरह से कमजोर किया जाए, वो नजर आता है, वो झलकता है इन सब चीजों के अंदर। मुझे तो लगता है कि राहुल, देखिए कांग्रेस पहले सेना पे सवाल खड़ा करती रही, सेना से सबूत मांगती रही, और कांग्रेस ने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा तक बता दिया था। आपको ध्यान होगा दिल्ली के अंदर इनके लोकसभा सांसद संदीप दीक्षित, उन्होंने जो हमारे सेना अध्यक्ष थे तत्कालीन रावत साहब, उनको सेना गली का गुंडा तक बोल दिया था। तो इस कांग्रेस की सोच जो है वो लगातार हम देख रहे हैं। अब तो राहुल गांधी ने अति कर दी, अति शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, जिस तरह से हिंदू धर्म के बारे में बोला, जिस तरह से शक्ति के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया, ये अति है। और मुझे लगता है देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस को, राहुल गांधी को इस तरह के शब्द प्रयोग करने के लिए, हिंदुओं का इस तरह से अपमान करने के लिए सबक अवश्य सिखाएगी। राहुल गांधी को एक बात समझना चाहिए कि जो परंपरा कांग्रेस की पहले दिन से रही है, देखिए ये भी बहुत सी किताबों के अंदर उल्लेखित है, पंडित नेहरू स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू बोलते थे, उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया मैं हिंदू, वो स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू बोलते थे। तो वही चीज, वही सोच राहुल गांधी के अंदर है, इसीलिए राहुल गांधी खुले में लोकसभा के पटल के ऊपर 140 करोड़ की जनता का अपमान करते हुए, हिंदुओं का अपमान करते हुए इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। रोड साहब कैसे देखेंगे आप जो कल बात राहुल गांधी ने कही, आज प्रधानमंत्री ने तकरीबन दो घंटे तक उस सारे विषयों पर जवाब दिया आप लोगों को? आयुष जी, प्रधानमंत्री जी को अब जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 10 साल के शासन के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में जननायक राहुल गांधी जी के सवालों का सामना करने के लिए अब उनको तैयार रहना होगा। राहुल गांधी जी के कड़े सवाल अग्निवीर पर भी होंगे, और 750 किसानों को मरने पर दिल्ली के बॉर्डरों पर मजबूर कर दिया और तानाशाह ने एक दिन जाके सूद नहीं ली, इसके बारे में भी जवाब मांगा जाएगा।
और हिंदू धर्म की तोहीन करके जिस प्रकार से हिंदू धर्म के नाम से बीजेपी ने वोट हथियाए, राहुल गांधी जी ने शिव जी की फोटो साथ में लेके संसद में शिव जी के सम्मान में भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस तरीके से घेरा कि मोदी और अमित शाह बार बार कुछ कहने को नहीं था लेकिन उठते रहे और बैठते रहे, उठक बैठक कराती उन। और ये अभी पूरी बीजेपी इस बात को कह रही है कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी जी ने तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और खुद प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को घेरा है कि आप लोग हिंदुओं का सम्मान नहीं करते। शिव जी की मूर्ति उन्होंने दिखाई कि देखिए कितने शालीनता और सहनशील मूर्ति में दिख रहे हैं हमारे शिव भगवान, और आप लोग हिंदू की बात करते हो और आप देश को तोड़ने के लिए निकले हुए हो। आपने जगह जगह मणिपुर को जला दिया, आपने दिल्ली में अपने नाक के नीचे 750 किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया, आपने पुलवामा में इतने सैनिकों को एक तरह से मरने पर मजबूर इसलिए कर दिया कि आपने हवाई जहाज उनको मुहैया नहीं कराया, RDX का आज तक पता नहीं करा पाए, कोई जांच नहीं करा पाए, और कटे पे नमक तब छिड़कते हैं जब पाकिस्तान की ही जांच एजेंसी को उसकी जांच सौंप देते हैं हिंदुस्तान की धरती के ऊपर। तो आज मैं आयुष जी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और अपने तमाम विरोधियों को, ये 2014 के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष का सामना करने जा रहे हैं। स्वाभाविक है इतनी प्रतिक्रिया होने, अभी तो पहला भाषण था राहुल गांधी जी का, दो प्लान 14 में और 19 में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का संविधानिक पद बनने नहीं दिया या भरने नहीं दिया, वो खाली पड़ा रहा। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है? और पहली बार, जबकि 1977 से तो ऐसी हमारे यहां पर कानूनन व्यवस्था थी कि नेता प्रतिपक्ष का संविधानिक पद होगा, और जो दल सत्ता पक्ष के बाद सबसे ज्यादा सांसदों के साथ अपना जो नेता चुनकर तैयार करेगा वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। सुरेश जी 10% सीटें होनी चाहिए। नियम ये है कि दल के पास 10% भी नहीं होगी तो कैसे होगा? अगर आपके अभी आपको कैसे मिल गया? मैं आयुष जी मैं बताता हूँ, एक सेकंड सुनते हैं, सुन लेते हाँ आयुष जी मैं बताता हूँ। इस बार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर इनकी नाक में दम कर दिया था, इनको लोकतंत्र की हत्या करने की छूट जनता भी देना नहीं चाह रही थी, और जो बात इन्होंने 10% का नहीं, लेकिन उनका भी प्रश्न सही है ना, अगर आपको 54 सीटों पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, वो तानाशाही चला रहे थे, तो 99 सीटों पर कैसे आपको दे दिया? उसके लिए वही तो वो बता रहे ना कि भाई 10% तो कम से कम सीटें आप जीत कर आए ना, तब आपको मिलेगा वो पक्ष, और वाज मिल गया आपको। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, 54 ही सीटें होती तो इस बार भी नहीं मिलता। आप समझे नहीं, ऐसे तो हम अगर सत्ता की सीट जीत के आ जाएंगे तो ये थोड़ी देंगे, हमारा राइट बनता है। लेकिन कुछ कहना चाहूंगा उसमें दखल अंदाजी की, सुषमा स्वराज जी का भाषण है, आपको मीडिया पे गूगल पे मिल जाएगा। सुषमा स्वराज जी ने खुद लोकसभा में ये कहा था, आरथी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे जब ये कानून बना था दोबारा से, इसको नेहरू जी के टाइम में तो संवैधानिक दर्जा तो वो खुद मान रहे हैं कि उसके पहले सरकार कांग्रेस की थी, नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक दर्जा नहीं। मोरारजी देसाई की सरकार ने नेता प्रतिपक्ष कौन ये किया गया था, ये नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बनेगा, मैं वही तो कह रहा हूं, आप मिलेगा लेकिन नेता प्रतिपक्ष पहले तो था जो नेहरू जी ने नहीं बनाया। 1951 को पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था कि नेता विपक्ष होना चाहिए और वो चलता रहा, लेकिन नाम तो बताइए पंडित नेहरू के साथ पंडित प्रतिपक्ष ने किसको नेता बनाया? इससे ऊपर कोई बात हो सकती है? नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया? आपने कहा संविधान का गला घोटा, आपने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो इन्होंने संविधान का गला घोटा। दो प्लान 2014 से लेके 19 का नेता प्रतिपक्ष ही है। चलिए 1952 में किसी का भी प्रधानमंत्री के 2 घंटे के भाषण का जिक्र किया गया, ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की बातों का जवाब। हम जब बच्चे होते थे उसमें दिखाया जाता था प्रधानमंत्री का कोई भाषण राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ने की थी, वो कोर्ट का निर्णय था, उनको सजा
सेकंड, अभी सुखबीर तंवर जी, ठीक है, रोड साहब आपकी बात आ गई, रोड साहब बात आ गई, सुखबीर तंवर जी, चलिए सभी जवाब आएगा ना, जनता की आवाज तो सब है यहाँ, सब जनता की आवाज है, ठीक है, एक सेकंड, आप सुखबीर तंवर जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात जनता की आवाज है, लेकिन सुखबीर तंवर जी, अरे ठीक है, अभी उन्होंने जवाब दिया ना, अभी प्रवीण जी ने बड़ा डिटेल में बताया, ठीक है, मैं का बयान, आपने कहा कि उनका इन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी जवाब लूंगा ना, सुखबीर तंवर जी, आज कैसे देखते हैं आज पार्लियामेंट में जो कुछ राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया और आज प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कैटेगरिकली बताया और भारतीय जनता पार्टी उसको धर्म के चश्मे से देख के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, इसके अलावा कुछ आपने देखा नहीं, पंजाब में जो पहला अग्निवीर शहीद हुआ था उसको किस प्रकार से प्राइवेट शहादत हम सब ने देखी, इसके अलावा जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था ठीक है, इलेक्ट्रोल बोर्ड में आप 8,552 करोड़ रुपया पैसा दो और धंधा लो के तर्ज पे लेके बैठ गए, उसमें क्या गलत कह दिया, और निजीकरण जिस प्रकार से आप अपने पूंजी देगा तो कौन बात करेगा, और मणिपुर में डबल इंजन जिस तरह से टूटा और जिस तरह से मणिपुर आज भी चल रहा है, क्यों नहीं जवाब दोगे आप, क्या पे अत्याचार अनाचार हुआ, वो उस पर जवाब नहीं मांगेंगे तो कौन जवाब मांगेगा, और एक दूसरी बात, जिस तरह से अयोध्या का जो एक करारी चपत लगाई अपने वोट के माध्यम से, आखिर कैसे 10 साल तक, और निश्चित तौर पे आने वाला समय जिस तरह से इनका बात भारतीय जनता पार्टी को समझ लेनी चाहिए, और धर्म 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 इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के उसमें देख रहे हो चीजों को, जिनका उस वक्तव्य से कोई मतलब नहीं है, जो और साथियों ने संसद में सवाल उठाए उनसे कोई मतलब नहीं है, सब पता नहीं कहां से कौन सी बात रट के अपने जवाब दे रहे थे, कुछ नहीं कहने के लिए प्रधानमंत्री पद के अनुरूप ये बहुत ही कमजोर वक्तव्य था और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। ठीक है मलकानिया साहब, देखिए कल राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, कल राहुल गांधी का बयान था, उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने उस पर जवाब दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो जैसे राहुल गांधी ये आए हैं और विपक्ष के नेता पहली बार बने, और जो बात चल रही है कि विपक्ष का नेता क्यों नहीं बनाया, तो इसके लिए 10% जो मेरे पास सीटें थी आपको विपक्ष का नेता बनाया, और राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता बने हैं और उनमें जोश था, उन्होंने सब मुद्दों को छूने की कोशिश की है, पर कई बार वो कराए गुरु नानक जी और बाकी धर्मों की बात भी कि वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसके वोट हिंदुओं के वोट भी हमें मिले, परंतु जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम है या सिख है वो वोट भी नहीं छिटके, इसमें मुआवजा दिया गया, और आज भी बात हुई है टीवी चैनल पे बता रहे थे कि 50 MSP नहीं दी जा रहा है, तो कृषि मंत्री ने बताया कि MSP दी जा रही है, तो उन्होंने कह दिया नहीं लीगल गारंटी नहीं दी जा रही है, तो इस प्रकार कई बातों में वो कंफ्यूज रहे, और इसलिए उनसे तथ्यों के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी ने संविधान की बात की आरक्षण की बात की, तो इसमें जो है वो राम मंदिर का मुद्दा राम मंदिर बना परंतु राम मंदिर भी मुद्दा नहीं बनाया गया, तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को जो ठेस पहुंची है उनके आधार पर हमें वोट मिले हैं और विपक्ष हमारे साथ है, तो इसलिए विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने मुद्दों को उठाने की कोशिश की, हर मुद्दे को छुआ, परंतु उनको तथ्यों के आधार पर ही चलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने आज सारे मुद्दों को छूने की कोशिश की है, सबका था कि आप खुश हो रहे हैं, जैसे आपको मिल गया तो एक बच्चा जब साइकिल से गिर जाते हैं तो दिलासा देने के लिए ये नहीं कहते कि गिर गया, कहते हैं कीड़ियां मर गई या पंछी उड़ गए, इस तरह की जो उदाहरण देकर उन्होंने अपने भाषण को, जो राहुल जी ने वो कट्टर नहीं है, उनके वोट तो हमें मिलेंगे मिलेंगे, परंतु जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम या ईसाई और सिख है उनको उनके वोटों को सामने के लिए उनको खुश करने की कोशिश कांग्रेस की रहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है इन मुद्दों को इस बार भुला नहीं पाई, अच्छा है कि इस बार विपक्ष तगड़ा है, तो इस कारण से जो सत्ता पक्ष है वो भी उन मुद्दों पर ध्यान देगा जो विपक्ष उठाएगा और उनका जवाब देगा। ठीक है मलकानिया साहब, मतलब आपका कहना यह है कि इस बार थोड़ा कोई तथ्य की तो बात थी नहीं, प्रधानमंत्री सिर्फ इस तरह की बातें कह रहे थे जैसे उन्होंने आरोप लगाया तो उसका वो जवाब दे रहे हैं, और दूसरा ये कि सिर्फ देखिए मलकानिया जी ने एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कांग्रेस की मंशा को बिल्कुल खोल के रखा, जैसे मलकानिया जी ने बताया और ये सत्य है, कांग्रेस हिंदुओं का अपमान हिंदू धर्म के खिलाफ इसलिए बोलती है क्योंकि सामने का वोट कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहे, जैसे मलकानिया जी बता रहे, और मलकानिया जी ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू कट्टर नहीं होता, और कांग्रेस को यह पता है कि हमारी बहुत से भाई ऐसे, अभी आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने छूटते बोला कि देश के अंदर धार्मिक, आप हिंदुओं के साथ खड़े हो
तो इनके ऊपर सोचते हैं। भाई अगर मैं हिंदू हूं और मैं अपने धर्म की बात करता हूं तो मैं कैसे कम्युनल हो गया? कम्युनल मैं तब हूंगा जब मैं दूसरे की बुराई करूंगा। लेकिन अगर मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म की बात करता हूं तो तुरंत कह दिया जाएगा कि साहब धार्मिक डेफिनेशन घड़ी गई है और हमारे दिमागों में घुसा दी गई है। अब यहां पे आम आदमी पार्टी को जनता ने 99 सीट दी, मतलब पूरी 300 सीट, वो भी तीसरी बार देश के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है और 60 साल में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी जनता से मैंडेट लेकर नायक राहुल जी, मतलब जो आदमी लगातार तीन बार कुछ ऐसा नहीं कर पाया वो तो बन गया जननायक। लेकिन मोदी जी जो तीसरी बार जिनको जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, लगातार तीसरी बार, उससे पहले केवल नेहरू जी थे जिनको ये अवसर जनता ने दिया था, उसकी तुलना सेकुलरिज्म के हिसाब से वोट कर रही है। आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको वोट मिल जाता है। आप बताइए हिंदू मुसलमान किसने डाली, हमने या कांग्रेस ने? मुझे बताइए हिंदू मुसलमान कौन करता है? किसने दिया था, कांग्रेस ने या हमने? किसने ये बात की थी? कांग्रेस ने। हिंदू शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति से लड़ना है, शक्ति के विनाश की बात। राहुल गांधी जी ने बीजेपी और आरएसएस की शक्ति की बात की थी। एक बात बताए पी चिदम्बरम स्वयं जो है, ये भी बता देता हूँ, और जब जो लोग हिंदुओं की बात अपमान मत करो, जो हम कभी नहीं करते, तो कौन हुआ कम्युनल? कम्युनल ये कांग्रेस है जो लगातार धर्म के नाम पे रक्षा मंत्री को खड़े होना पड़ गया। तो ये तो ताकत है विपक्ष की भाई, राहुल गांधी जी अगर बोल रहे हैं तो आपको बार बार उनको काउंटर करना पड़ रहा है। इस तरह के जो झूठ बोले गए, उन झूठ से कांग्रेस को लगा कि भाई हमें 99 सीट मिल गई है, मतलब झूठ चलता है। उसी झूठ को लेके पार्लर को तार तार कर दिया। अब जिन तथ्यों की उन्होंने बात की, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि देखिए उनका जवाब तो मोदी जी ने दिया ही नहीं, रुपया मिलता है, ये बात राजनाथ सिंह जी ने पटल पे बताया है, ऑन रिकॉर्ड बताया है, और अभी मलकानिया जी भी इसके खड़े हो जाते हैं और माइक का कंट्रोल जज के पास नहीं होता। अयोध्या के मुआवजे पे झूठ बोला उन्होंने, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कहा। ये इतना बड़ा झूठ लगातार कांग्रेस ने प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस से कोई ये पूछे कि कोई विरोधवादी है, हमने नहीं बोला था, ये झूठ बोला गया। किसानों को आप एमएसपी नहीं देते, ये झूठ बोला राहुल ने। तुरंत कृषि मंत्री जी ने खड़े होकर बताया कि साहब आप अपने समय की एमएसपी बता दीजिए, हम अपने समय की बता देते हैं, एमएसपी दे रहे हैं, सरकार एमएसपी का लाभ दे रही है, हम सब आप कानूनी गारंटी नहीं दे रहे हैं एमएसपी की। भाई कानूनी गारंटी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? चलिए, और यार आपको शायद कृषि जो है मोदी जी को बोलिए, अरे सुन लीजिए भाई, ऐसा ना, आपने अभी भी एक झूठ बोल दिया था कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि नेहरू जी ने किसको नेता प्रतिपक्ष का बनाया था, बता दीजिए 52 में किसको हमने बनाया, कोई झूठ नहीं बोला, 62 में किसको, झूठ नहीं बोला, नाम बता दीजिए। लेकिन रोड साहब आपने नाम नहीं बताया, आपने नाम नहीं बताया, बता दीजिए आप ना भी किसको बनाया, मैं आपको बता देता हूँ, आपको आईओसी बताता हूँ, एक मिनट में आपको बता दीजिएगा। तो अब दूसरी बात, आयुष भाई मुझे याद आ गया, सुरेश रोड जी पहले भी एक झूठ बोल के गए थे और मैंने डिबेट में कहा था कि हर डिबेट में इनसे सवाल पूछूंगा। सुरेश जी ने कहा था कि जहां जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है वहां महिलाओं को हर साल 1,00,000 रुपया देंगे, आपको ध्यान होगा जी। और मैंने कहा था मैं हर डिबेट में पूछूंगा। बताइए सुरेश जी कौन से प्रदेश में आपने देना शुरू किया, बता दीजिए। मुझे समय दीजिए, पूरा समय दूंगा रोड साहब। देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से झूठ बोल के हिंदुओं का अपमान करके एक नजीर बना दी अपने कार्यकर्ताओं का, अपमान मोदी जी ने किया है, राहुल गांधी जी ने, इसीलिए तो शिवजी भगवान की मूर्ति दिखाई कि आप इन भी लगातार राहुल गांधी। चलिए ठीक है, अब रोड साहब से जवाब ले लेते हैं, रोड साहब उन्होंने करवाई, ठीक है रोड साहब आयुष जी कौन से प्रदेश, ठीक है अत्रे जी अभी रोड साहब से जवाब लेते हैं, ठीक है रोड साहब, आयुष जी स्वतंत्र की हत्या होते हुए देशवासियों ने देखी है, ऐसे ही लोकतंत्र से आप चाहे 10 बार सरकार बना लो, ऐसे ही हत्याएं करके बनाते हैं लोगों को रोकने का। अभी आप लोकतंत्र के पद पर बैठे हुए, मैं बताता हूँ ना कैसे है। चंडीगढ़ में सी आप बोलो कि भाई जितनी खराब हुई उससे एक वोट ज्यादा पड़ी है, तो ये कोई एहसान कर दिया इन्होंने? अगर हमारी 10 वोट मान लो इन्होंने खराब करी और 2 छोड़ दी तो ये एहसान है कोई? बात ये थोड़ी है आयुष जी, बात ये है कि इन्होंने 10 वोट क्यों खराब करी। आप ये देखिएगा, आप यही बात कह रहे हैं कि आप चेयर उठाना भी चाहिए, मानना भी चाहिए इस बात को। अरे तो हिमाचल में तो सरकार बनाई ना आपने, कर्नाटक में सरकार बनाई आपने, तेलंगाना में सरकार आपने बनाई, अगर करना ही बेमानी होगा किसी आदमी को तो पूरी बने ना, वहां के विधायक वहां के सांसद को आप अपने साथ में बिठा रहे हैं ना भाई। अयोध्या से बड़ा कुछ हो सकता है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए?
वहां क्यों नहीं हेराफेरी करी इन्होंने कि ये मैंडेट छल कपट से अगर ले लेते हैं तो उसका उस पर आप प्रश्न उठा रहे थे। मैंने कहा 99 सीटें आपको मिली, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर छल कपट करना ही होगा तो एक सीट तो कम से कम अयोध्या की तो जरूरी करते, वो आपको दे देंगे उठा करके। आयुष जी, प्रधानमंत्री दोपहर तक कितनी वोटों में आगे चल रहे थे बताइए, वाराणसी से जीते ना कम से कम, वो आपको दे देंगे थाली में परोस करके कि नहीं चलिए ठीक है अयोध्या आप जीतिए बाकी हम मेरा फेरी कर लेते हैं। नहीं, आप अयोध्या इनका कुछ नहीं लगता, जिन्होंने भगवान राम के सिर पे छत में भी भ्रष्टाचार कर लिया ये अयोध्या की सीट क्यों जीतेंगे, कैसी बात कर रहे हो आप। ये तो पीडीएफ के साथ सरकार बनाएंगे वहां पर जम्मू कश्मीर में। अगलों की मंशा क्या है कांग्रेस पार्टी में, आयुष जी आपकी जानकारी दुरुस्त करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम सेल नहीं है। आपकी जानकारी मैं दुरुस्त करता हूँ, 1995 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से भगाया था वो छोड़ नहीं जाने वाले। नहीं नहीं सुरेश जी, वो कश्मीरी पंडितों को 1995 में भगाने वाले कौन थे? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए, इंद्रेश जी को मुस्लिम सेल का चेयरमैन वाले कौन भगाने वाले थे? अल्पसंख्यक बहुत बड़े सेकुलर है, कसौटी पे खड़े उतर रहे वो हत्या के विरुद्ध जो आंदोलन का विषय पे आता हूँ। अब जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जननायक बने हैं, मैं अगली चुनौती बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उस पर विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के समय में नरेंद्र मोदी जी यानी सदन के नेता प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे तो उससे क्या होगा? मोदी जी नेता वो तो नियम है, प्रतिपक्ष नेता सदन के साथ सीवीसी तो उससे क्या होगा? सदन की नियुक्ति में बैठेंगे, वो तो नियम है भाई, उससे होगा क्या? सदन की नियुक्ति में बैठेंगे, लोकपाल की नियुक्ति में बैठेंगे। अब राहें आसान नहीं है, अब राहें आसान नहीं है, लोकपाल हो सीबीआई के अगर जो डायरेक्टर बनेंगे उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की नहीं, लेकिन उसके बाद फिर ईडी सीबीआई जो काम करेगी उसको तो निष्पक्ष मानेंगे ना, नेता प्रतिपक्ष क्योंकि रहेंगे अब मानेंगे ना। देखिए मैं सारी चीजें रिकॉर्ड पर रखूंगा रोड साहब, बिल्कुल, फिर इसके बाद सीबीआई या ईडी पर फिर प्रश्न नहीं खड़ा करिएगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे वहां। नहीं, अगर अगर किसी का काम गलत नहीं है तो क्यों करेंगे हम? मैं ये कहता हूं और उसके बाद फिर कम से कम ये भी नहीं कहेंगे कि आप इन्होंने छल कपट से जीत लिया चुनाव या इनको इन्होंने मशीनों में हेराफेरी कर दी। इसमें फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। आज किसी भी व्यक्ति को चाहे नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी ने दोनों ने नियुक्त कर दिया, अगर किसी व्यक्ति का आचरण तो उसके हाथ में, कल को अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज उठाने से नहीं हटेगी। लेकिन भी मेरी पत्नी मेरी तो उससे क्या फायदा होगा फिर तो राहुल गांधी के बैठने से क्या फायदा होगा? यह फायदा होगा कि आरएसएस के लोग, एजेंडा परोसने वाले लोग इन संवैधानिक पदों पे नहीं बैठेंगे, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के इस संवैधानिक पद पर बैठेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपने कहा ना कि मान लिया जो आदमी बैठा उसने अगर मान लिया फिर से आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने कुछ गड़बड़ी कर दी तब, और अगर कोई गलत काम करेगा दबाव में आएगा तो वो गलत काम यही है ना भी भाई, अगर आपके पक्ष में चीजें ना हो तो वो गलत है और अगर आपके पक्ष में हो जाए तो चीजें सही, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, नहीं नहीं, अब आपने तो जननायक बना ही दिया ना भाई, जननायक अब कितना और जननायक जनता की आवाज उठाएंगे वो हम लोग देखेंगे 5 साल। मलकानिया साहब ठीक है, मलकानिया साहब, केसी मलकानिया जी, राहुल गांधी जननायक की भूमिका में आ गए, जननायक टाइप के नेता हो गए राहुल गांधी अब, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष केसी मलकानिया जी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, एक सेकंड, हो गया, बात आ गई आपके लिए, जननायक हैं ठीक है, जनता की आवाज उठाए जननायक बने वो ठीक है। मलकानिया जी, हाँ मलकानिया जी, मलकानिया जी, मलकानिया जी, अरे आज तो पहले ही भाषण है भाई, अभी तो रुकिए अभी 5 साल, अभी 5 साल बहुत सारे सेशन होंगे रोड साहब, अब ठीक है रोड साहब, बात आ गई आपकी, मलकानिया साहब, राहुल गांधी जननायक के तौर पर जननायक की भूमिका में आ गए, ये तो मानने वाली बात है कि उन्होंने 10% सीटें ले ली और उनको उठाए। हम कहते थे कि विपक्ष जो है स्ट्रांग होना चाहिए, जब विपक्ष स्ट्रांग होगा तो वो जनता के मुद्दे भी उठाएगा और उनको हल कराने की कोशिश भी करेगा। परंतु जिस तरह आज लोकसभा चली, प्रधानमंत्री जी बोलते रहे और विपक्ष लगातार शोर करता रहा, मैं प्रधानमंत्री जी को भी दाह देता हूं कि इतने शोर शराबे के बीच भी वो रुके नहीं, वो अपनी बात कहते गए। तो साइकिल वाली कहानी सुना रहे थे, रुके गए क्यों? कहानी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जितनी मर्जी लंबी सुना लो। है कि सदन चलाना
सरकार का काम है, परंतु सहयोग करना विपक्ष का भी काम होता है। ये कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है कि आप इतने बड़े नेता हैं, लोगों ने आपको चुनकर भेजा है। अगर कोई कृषि मंत्री उठकर खड़े हुए, प्रधानमंत्री खड़े हो और उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और उन बातों को पूछा तो उस तरह पूछ सकते हैं, परंतु आप लगातार हल्ला गुल्ला करेंगे तो ये अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि राहुल जी उठाए मुद्दे उठाए और उनकी सीटें बड़ी है, उनका उत्साह बढ़ा है, इसमें कोई कमी नहीं है, परंतु उत्साह के साथ तथ्यों के साथ संसद में से उठाए और अपने जो सहयोगी हैं और जो उनके नेता है या संसद सदस्य हैं उनको शांत रहने की कहें कि जब कोई बोल रहा है तो उसकी बात को सुने। हम टीवी पे क्लियर बात नहीं सुन सकते कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, कल विपक्ष के नेता बोल रहे थे तो सब बात सुन रहे थे, तो सत्ता पक्ष ने कोई इतना शोरगुल नहीं किया। तो संसद में मर्यादा जरूर बनाए रखें, लोगों के मुद्दों को उठाओ, परंतु इसके साथ साथ अनुशासन में मुद्दों को उठाएं, तथ्यों के साथ उठाएं तो बेहतर होगा। चलिए मलकानिया साहब, आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जो बातें कही थी आज प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 10 मिनट के भाषण में, उन सारी बातों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन जवाब के बीच में ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नए जो सवाल हैं वो भी उठ रहे हैं और इस पर एक अलग तरह की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। अब इसके मायने क्या है इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा और कितना ये आगे और जाएगा, आगे के सेशंस में ये और कितना दिखेगा, इसके लिए भी समय का और इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।